बिसमीम सेकेंड ईयर स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स में यूनिट फिफ्टीन जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट लेक्चर नंबर टू एम सी क्यूज़ तो चले अच्छे स्टार्ट करते ही देखिए यहाँ पे जो फ़र्स्ट एम सी क्यूज़ है द रूट मीन स्क्र वैल्यू आप हंड्रड एम्पियर इट्स पीक वैल्यू एज साइन वेव की जो रूट मीन स्क्र वैल्यू है वो है हंड्रड एम्पियर तो इसकी पीक वैल्यू मालूम करें अब इसमें हमारा जो ऑप्शन है बी वन फोर वन पॉइंट फोर एम्पियर ठीक है उसको हम सॉल्व करते हैं देखिए उसे हम जानते हैं कि आई आर एम एस मीन रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ करंट बराबर होती है आई नाट डिवाइड बाई स्क्र रूट टू अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आई नाट होगा स्क्वेयर रूट टू मल्टीप्लाई आई आर एम एस अब आई आर एम एस की वैल्यू हमें दी है हंड्रेड एम्फियर तो मल्टीप्लिकेशन से हमें मिल जाएगा वन फोर वन पॉइंट फोर एम्फियर सेकेंड एम सी क्यूज़ है वेव हैज फ्रिक्वेंसी ऑफ़ फिफ्टी हर्ट्ज़ इट्स एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज एन रेडियन पर सेकेंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल एंगुलर वेलास्टिक अब इसमें हमारा ऑप्शन ए टी के है हंड्रेड फाइव सल्यूशन है हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है टू पाई एफ तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड एफ फ्रिक्वेंसी हमें दी है फिफ्टी हर्ट्स है तो ओमेगा के लिए फार्मूला है टू पाई एफ पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर या टू फाइव इंटू फिफ्टी हंड्रेड ओह थर्ड नोमरिकल है द पावर फैक्टर ऑफ प्योरली रजिस्टिव सर्कट इज़ यूनिटी अब इसको हम सॉल्व करते देखिए इन प्योरली रजिस्टिव सर्कट द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेस एंड अपेरेंट पावर एंड रियल पावर रिमेन द सेम नंबर फोर है अके प्रेसर इज परफेक्टली इंसुलेटेड फॉर वटर डायरेक्ट करण अब प्रेशर के साथ हम क्या करेंगे ऐसी करंट ऐसी सोर्स लगा के तो इसमें ऐसी करंट फ्लो करेगा अब ये डायरेक्ट करण के लिए क्या है प्रोहेबिटेड है नंबर फाइव से क्यूज नंबर फाइव द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज़ फाइव स्क्र रोट टू एम्फियर द मीन स्क्र वैल्यू ऑफ करंट वेल बी फाइव स्क्र ए अब हम जानते हैं कि देखिए यहाँ हाँ पे हमें मैक्सिमम करंट दी है फाइव स्क्र रूट टू रूट मीन स्क्र वैल्यू मालूम करना है तो फार्मूला है कि रूट मीन स्क्ल ऑफ करंट इजल टू आई नाट डिड बाई स्क्र रूट टू अब आइन आठ हमारे पास है 5 स्क्र रोट टू डिड बाई स्क् रोट टू कैंसल तो 5 एम्पियर नो स्क्वेयर ऑफ मीन करंट वेल बी अब इसका अगर हम स्क्वेयर ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा आई आर एम ए स्क्वेयर फाइव स्क्वायर ए स्क्वेयर सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन सिक्स में है कि इन अचोक द रिएक्टेंस एक्सेल इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एंड रेजिस्टर आर रिलेटेड इज अ सही ऑप्शन है एक्सेल इज अ ग्रेटर देन आर देखिए हम जानते हैं कि वी स्क्वायर इज एकवल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर अब यहाँ पे वी स्क्वायर हमारे पास होगा वी आर बराबर है आई आर सो आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर स्क्वायर वी एल इज एक टू आई एक्स एल तो आई स्क्र एक्स एल स्क्र अब वी स्क्वायर आई स्क्वायर कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायेयर यहाँ से एक्स एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा वी स्क्र माइनस आई स्क्वेयर आर स्क्र डिवाइड बाई आई स्क्र तो ये इक्वेशन शो कर रहा है कि एक्सेल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर इसके बाद है एम सी क्यूज नंबर सेवन एम सी क्यूज नंबर सेवन है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज एट अ रेजोनेंस एज अब यहाँ पे सही ऑप्शन है जीरो हम जानते हैं कि इंड के पेशल एन दस दी रेजिट अब यहाँ पे एम्पडेंस का मतलब क्या है एम्पेडेंस का मतलब ये है दम्बाइन अ पोजिशन ऑपर बायटर एन के पैस टू द फ्लो ऑफ वट इज तो जेड इज इक्वल टू वट आर सो दस द कर वोल्टेज विल बी एन पेस पैरल And thus we have phase difference equal to what? Zero. Eighth number in AC system the generator sine wave from form because it produced least disturbance in the electric circuit. Nine number <coughs> in alternating voltage is given by twenty sine one five seventy. The frequency of alternating current. This means I option a twenty hertz. अब इसको सॉल्व करते हैं देखिए बच्चे हमें जो गेवन है वही वी इजल टू ट्वेंटी साइन वन फिफ्टी सेवन थी अब हम जानते हैं कि वी इज इक्ल टू वी नाट साइन ओमेगा थी अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वी नाट देखिए हमारे पास है ट्वेंटी ओमेगा की वैल्यू होगा वन फिफ्टी सेवन अब हम जानते हैं कि ओमेगा इज एकल टू टू फाई एफ सो ओमेगा इज इक्ल टू हाउ मच वन फिफ्टी सेवन डिवाइड बाई टू फाइव तो यहाँ से हमारे पास आएगा ट्वेंटी फाइव हर्ड्स टेन नंबर इन एल आर सर्कट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज विथ फ्रिक्वेंसी क्योंकि हम जानते हैं एक्स बराबर होते बच्चे ओमेगा एल ओमेगा है टू पाई एफ तो एक्स और फ्रिक्वेंसी के दरमियान कौन सा रिलेशन है डायरेक्ट तो फ्रिक्वेंसी बढ़ने से इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर बढ़ता है एलेवन नंबर इन अल्टरनेटिंग क्वान्टिटी वोल्टेज आर करंट इज कम्प्लीटली नॉन इफ़ यू नो एट्स मैग्जिम वैल्यू फ्रिक्वेंसी एंड पेज तो सही ऑप्शन है बोथ ए एन बी अब इसके लिए हमारे पास मुझे फार्मूला है आई इजिकल टू आई नाट साइन ओमेगा टी प्लस पाई तो वी इजल टू वी नाट साइन ओमेगा टी प्लस पाई और ओमेगा है टू पाई एफ तो इसी वजह से ओमेगा की जगह हमने लिखा है टू पाई एफ थी 12 नंबर है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव्स मिक्स वेल जर्नलाइज कौन सी ला? थर्टीन इन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स गोज फ्रॉम ईयर टू ग्लास अब ईयर हमारे पास रेयर मीडियम है ग्लास क्या है डेंसर मीडियम है तो जब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम तरफ so से की तरफ जाएगा सो दे मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल लेकिन जब वो डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा सो दे मूव अवे फ्राम द नॉर्मल तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है अल्ट्रासाउंड वेव्स फोर्टीन है द सर्किट इज विच करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज द पावर फैक्टर इज इसका पावर फैक्टर क्या होगा वन फार्मूला है पी इज इक्वल टू आई वी कॉस पाई सो पाई इज इक्वल टू जीरो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा वन इसके बाद है नंबर फिफ्टीन तो एम सी क्यूज नंबर अब वन क्यू आता है डिस्कस करते देखिए उचे पावर फैक्टर हमारे पास एक कास पाई सो वेन करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज देन वी हैव पाई क्या है जीरो और काश जीरो डिग्री वन के बराबर है तो इसी वजह से यहाँ पे पावर फैक्टर क्या है वन एम सी क्यूज नंबर फिफ्टीन वीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ एन ए सी सप्लाई दम्पडेंस ऑफ एन आर एल सी सीरीज सर्कट इज क्या होता है इंक्रीज क्योंकि हम जानते हैं एम्पिडेंस के लिए फार्मूला है जेड इजल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल्स के अंडर रूट अब यहाँ पे एक्स एल होते बच्चे ओमेगा ओमेगा एल और ओमेगा है टू पाई एफ एल इसी तरह एक्सी होते है वन बाई ओमेगा सी ओमेगा की वैल्यू है टू पाई एफ सी अब यहाँ पे अगर हम कंडीशन लगाए कि इफ़ एक्स एल इज़ ग्रेटर देन एक्स सी सो व्हेन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज देन एम्पडेंस आल्सो इंक्रीजेस सो थैंक यू स्टूडेंट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस चिप्टर के न्यूमेरिकल